अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जाने फाती किचन और आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का पुलाव। चिकन टिक्का पुलाव बनाने के लिए हमने ले लिया है एक पाव हमारे पास चिकन है जिसको हमने डाइस शेप में कट कर लिया है और एक पोटैटो है हमारे पास इसको हमने कुछ इस शेप में कट कर लिया है। नॉर्मल साइज़ का हमारे पास पोटैटो है, ये ऐड कर देंगे हम इसके अंदर। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कुछ स्पाइसेस। इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून है हमारे पास चिली फ्लेक्स, ये ऐड कर देंगे हम। सॉल्ट हमें चाहिए अकॉर्डिंग टू टेस्ट। फूड कलर जो जर्दे बिरयानी में ऐड होता है ये ऐड कर देंगे हम 2 से 3 पिंच इसमें, इससे इसका इतना प्यारा सा कलर आएगा। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला, और हमने ले लिया है 1 टेबल स्पून ज़ीरा, और 1/2 टेबल स्पून हमारे पास है अजवाइन जिसको हमने बारीक पीस लिया है, और ये ऐड कर देंगे हम इसके अंदर। विनीगर हमारे पास है 3 टेबल स्पून, ये ऐड कर देंगे हम इसमें। लहसुन का पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें रेड चिली फ्लेक्स या रेड चिली पाउडर कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। आप इसे मैरिनेट करने के लिए 10 से 15 मिनट भी रख सकते हैं, बट मैं इसे फ़ौरन ही डायरेक्ट कुक करना स्टार्ट कर दूंगी मैं। अब हम इसकी फ्लेम ऑन कर लेंगे। फ्लेम हमने ऑन कर लिया। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टमाटोज हमने इसमें ले लिए हैं मीडियम साइज़ के, और इसको हमने ब्लेंड कर लिया अच्छा सा, और इसको हम हाई फ्लेम पर ही कुक करना स्टार्ट कर देंगे। बिकॉज़ इसमें हमने बोटी का साइज़ छोटा छोटा सा लिया है, इस वजह से हमें इसको हाई फ्लेम पर ही कुक करना है। हमारा चिकन कुक होना स्टार्ट हो चुका है। हम इसमें ऐड कर देंगे 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची हमने ऐड कर दी है इसके अंदर, और 4 से 5 अदद हमने लौंग ले ली है, ये ऐड कर देंगे। और इसके अंदर हम अब इसको अच्छा सा हम भून लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे, 1/2 कप अराउंड हमने इसमें ऑयल या घी ऐड कर देना है, और इसे भून लेना है चिकन को। हाई फ्लेम ही रखनी है हमने इसे। अब हम इसके ये देखिए हमारा चिकन अच्छा सा टेंडर हो चुका है। इसके अंदर मैंने 2 सिप और वाटर ऐड कर दिया ताकि थोड़ा सा ग्रेवी हो जाए। और अब हमने इसमें 3 पिंच ऐड कर दिया है जायफल का पाउडर। इसमें ऐड कर देंगे हम 1/2 kg राई। पानी ऐड कर देंगे हम इसमें, 1/2 kg हमने राइस लिए हैं, 2 ढाई ग्लास अराउंड हमने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे इस वक्त हरी मिर्च, 3 से 4 अदद हमने हरी मिर्च ले ली है, ये ऐड कर देंगे। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और इसे कवर अप करके हम कुक करने रख देंगे। इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद हम इसकी फ्लेम को स्लो कर लेंगे। देखिए हमारा पानी ड्राई हो चुका है राइस में, और हल्का हल्का सा वाटर रह चुका है। अब हम इसमें इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए दम पर, और मैंने इसके नीचे तवा रख दिया, इसको प्री हीट कर लिया है, और अब इसको कवर अप करके रख देंगे। 10 मिनट के बाद हम मिलते हैं। देखिए 10 मिनट हो चुके और परफेक्ट हमारे चिकन टिक्का पुलाव रेडी है। अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और एक हमने इसके ऊपर रोटी का टुकड़ा रख देना है। कोयले को हमने कर लिया है प्री हीट, ये रख देंगे हम इसके ऊपर। वन टेबल स्पून ऑयल या घी ऐड करके इसको हम डायरेक्टली बंद कर देंगे। इसमें अच्छे से स्मोक का टेस्ट आ जाएगा। फिर हम इसको 2 से 3 मिनट के बाद इसको डिश आउट कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारा चिकन टिक्का पुलाव रेडी टू ईट है। आप इसे ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पर देखने को मिले। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग JFK चैनल। अल्लाह हाफिज़।